हुंडई ईयोन और सेंट्रो के रियर एक्सल के जो बूस है वो कट जाते हैं तो बहुत नॉइस रहता है पीछे से, तो वो कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में आज बताने वाला हूँ। बूस्ट फैन टूटा हुआ है, आप देख सकते हो, ये नया वाला है, ये इंस्टॉल करने वाले इसके अंदर। हुंडई ईयोन फ्रेंड्स, इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है, जब ऑफ रोड जाते हैं या गड्ढे वाले रास्ते में जाते हैं तो पीछे के व्हील में से नॉइस आ रहा है, तो पीछे के जो रियर व्हील के जो बूस आते हैं पीछे के वो ख़राब हो गए, तो वो चेंज करने वाले हम फ्रेंड्स। तो ये व्हील है ना, उसकी पोजीशन खिसक ले रहा है, अब देख सकते हो यहाँ से जो गैप है वो, पकड़ो मोबाइल, सबसे पहले हमें गाड़ी को जेक लगा के स्टैंड पे लगा देना है और दो पहिए निकाल देने रियर, और निकालने के बाद हम ये पूरा ब्रेक का पाइप निकाल देंगे, हैंड ब्रेक का केबल निकाल देंगे, ये स्प्रिंग निकाल देंगे और पीछे का ये रोड भी निकाल देंगे, 17 का बोल्ट रहता है वो, और दो रियर जम्पर, यानी कि जो जो इसके साथ जुड़ा हुआ है पीछे ये इसके साथ ये हम निकाल देंगे, तो हमारा ये रियर धरो बोलते हैं इसको, वो निकाल देंगे पूरा बाहर। इसके अंदर अटैच रहता है किसका, ब्रेक का पाइप, स्प्रिंग, जम्पर और ये हैंड ब्रेक केबल, मेन हैंड ब्रेक केबल है इसके साथ, और ये बूस यहाँ पे लगा रहता है, तो ये बूस कट जाता है, तो ये बूस डालने के लिए सब पूरा निकालेंगे और प्रेस में ले जाएंगे, तो ये बूस इस तरीके का आएगा फ्रेंड्स। बाहर का बॉडी मेटल का रहता है, अंदर का रबड़ का रहता है, तो ये जब भी इस तरीके का कट जाता है इसका आसपास वाला, तो ये मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है, तो यहीं से उसका जो बोल्ट लगा रहता है वो हिलता है, ऑफ रोड जाने पर यहीं से नॉइस आता है, गड्ढे में गिरती है गाड़ी और चलाने में भी मज़ा नहीं आता है, तो ये चेंज करने वाला है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ये पाइप निकालना रहता है, पाइप निकालने के बाद ये लॉक रहता है यहाँ पे, एक इस जगह पे ये लॉक निकालना है और इसको पाइप को साइड में कर देना है, और यहाँ पे ये पूरा रियर लाइनर रहता है वो निकालना रहता है, और वो हैंड ब्रेक के केबल में से निकलता है साथ, तो इसका एक लॉक रहता है यहाँ पे पीछे इस जगह पे, वो लॉक निकाल देना है, और ये रियर लाइनर भी निकाल देना है, ये लॉक भी निकाल देना है, और इसके लाइनर के शू के जो खिली रहती है वो भी निकालनी है, और उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा राड रहता है सीधा वहाँ पे लगता है, ये रहा वो राड के 17 के दो बोल्ट निकाल देना है, और उसके बाद में ये जंपर का जो नीचे का रहता है 17 का बोल्ट वो भी निकालना है दोनों तरफ से, और एक आप देख सकते वहाँ पे मैंने बोल्ट लूज करके रखा है, बोल्ट लूज करके रखा हुआ है मैंने 17 का मेन बूस का, वो खोल के रखा है, और एक इस तरफ है, तो वो निकाल देंगे हम, तो ये पूरा पीछे का नीचे आ जाएगा, और ये स्प्रिंग भी साथ से निकल जाएगा अलग ही, क्योंकि जो नीचे आएगा तो स्प्रिंग अलग से अपने आप निकल जाएगा, तो करते ही ये पूरा निकालते हैं बाहर। रियर धरो है फ्रेंड्स, ये पिया पीछे का दो व्हील, एक यहाँ पे लगता है और एक इस तरफ लगता है, और यहाँ पे 17 का बोल्ट लगता है, यहाँ पे स्प्रिंग लगती है, यहाँ पे जम्पर लगता है, और एक ब्रेक पाइप और ब्रेक व्हील सिलेंडर, ये लाइन लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बूस्ट कट गया था, आप देख सकते हो पूरा कटा हुआ है, और इस तरफ का भी आप देख सकते हो नीचे से थोड़ा सा कट गया है, पूरा नहीं कटा, आधा सा कटा हुआ है, ऊपर से परफेक्ट है, नीचे से कट गया है, और ये पूरा कटा हुआ है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नया बूस इस तरीके से रहता है, और ये टूटा हुआ है,
तो ये बूस्ट फैंस टूटा हुआ है, आप देख सकते हो ये नया वाला है, ये इंस्टॉल करने वाले इसके अंदर। इसकी वजह से गाड़ी के अंदर पीछे से नॉइस आ रहा था और व्हील भी हिल रहा था। तो ये सेंट्रो और ईओन के अंदर कॉमन प्रॉब्लम है। प्रेस मशीन के अंदर फ्रेंड्स बूस्ट को डलवाने आए हम, तो ये पुराने वाला निकल रहा है। ये निकल गया है पुराना बूस्ट। न्यू बूस्ट फैन फिटिंग हो रहा है अब। तो इस तरीके से प्रेस में पुराने बूस्ट निकाल के न्यू बूस्ट फिट होते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से फिट होते हैं। अगर हम हैमर से ठोकेंगे तो भी हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से वो बैठ नहीं सकते। न्यू फैन बूस्ट फिट हो गए, आ गए शॉप पे। अब आप देख सकते हो कितना परफेक्ट है। और इसको जिस तरीके से एक एक चीज़ को निकल आता है, इसी तरीके से एक एक चीज़ को हम फिट करने वाले हैं। और आप देख सकते हो ये पुराने हैं। बूस्ट फिटिंग परफेक्ट हो गया है फ्रेंड्स। तो गाड़ी के नीचे से स्टैंड भी निकाल दिया, अब जेक निकाल देंगे तो गाड़ी नीचे हो जाएगी। और लेते हैं ट्रायल और प्ले प्ले चेक करवाता हूँ आपको मैं। तो जो भी दिक्कत थी वो परफेक्ट हो गई है। अब जो बूस्ट कटा हुआ था वो नया डाल दिया है। तो पहले टायर बहुत हिलता था, यहाँ से, अब हिलता भी नहीं है, परफेक्ट हो गया है। थोड़ा सा एक नॉर्मल सा हिलना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हिलेगा क्योंकि बूस इसलिए बिठाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स हिलता नहीं है, परफेक्ट है। तो लेते हैं ट्रायल। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे मोटर चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स मैं ट्रायल लेके आ चुका हूँ गाड़ी का, एकदम परफेक्ट कार हो गई है और नॉइज़ भी बंद हो गया है। ये बूस बहुत टाइम के बाद जब कट जाते हैं गाड़ी के अंदर, तो ये चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि ये गाड़ी के अंदर जब बूस कट जाएंगे तो गाड़ी हम जब ओवर ट्रैकिंग के दौरान नॉर्मल सा कंट्रोल में नहीं रहती और पीछे से बहुत सारा नॉइस आता है जब स्पीड ब्रेकर कूदाते हैं तब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।